HELLO, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ GTA 5। तो गाइस यार, जो लोग भी चैनल पे नए हैं उन्हें मैं लास्ट एपिसोड का छोटा सा रीकैप देता हूँ। लास्ट एपिसोड में माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर तीनों ने मिलिट्री बेस के अंदर घुस के उनका एक सीक्रेट हेलीकॉप्टर को चुराया था, और उसके मदद से भाई इन लोगों ने मिलिट्री बेस के एक सीक्रेट वेपन भी चुरा लिया था। अब ये प्लान पूरा ट्रेवर का था। ट्रेवर कह रहा है कि भाई उस सीक्रेट वेपन को सेल करने से हमें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। तो भाई माइकल ऑब्वियसली भाई उसे मना नहीं कर सकता था, क्योंकि हो सकता है उसकी फैमिली को कुछ कर देता। इस वजह से माइकल ने और फ्रैंकलिन दोनों ने उस काम के लिए हाँ कर दी। अब भाई वो काम तो पूरा निपट चुका है, और यार एक तगड़ा सीन हो गया। अपने माइकल की जो फैमिली है ना, वो भाई घर छोड़ के जा चुकी है, क्योंकि वो माइकल से बहुत ज्यादा नाराज हुई। क्योंकि माइकल उल्टे सीधे काम करता था, किसी को भी मार देता है, किसी का भी मतलब, जैसे ट्रेसी गई थी फेम और शेम में, वहां जाके भी उसने सारा सीन बिगाड़ दिया था। तो इस वजह से इसकी फैमिली यहाँ से इससे लड़के दूर जा चुकी है। और भाई दूसरा रीजन है कि वो ट्रेवर की वजह से भी काफी ज्यादा डर चुकी थी, इस वजह से वो भाग गई, क्योंकि उन्हें लगता था कि ट्रेवर भाई उन्हें कुछ ना कर दे। और ये देखो भाई, ये है अपनी दूसरी कार, क्योंकि अपनी जो पहले वाली कार है ना, वो जिमी हमें धोखा देके गलती से लेके भाग गया भाई। मतलब गलती से क्या, जान पूछ के लेके भागा है भाई वो बंदा। और अभी फटीचर सी गाड़ी हम चला रहे हैं, पर खैर कोई नहीं, अपन लोग थोड़ा पैसे से कमा के और तगड़ी कार ले लेंगे, और हो सकता है कुछ टाइम बाद हमारी फैमिली नॉर्मल होकर वापस भी आ जाए। तो यार लास्ट टाइम कुछ सीन ऐसा हुआ था, जब हम लास्ट टाइम हमने हाइस्ट पूरी कंप्लीट कर ली थी वाली मिलिट्री बेस वाली, तो उसके बाद मेरे पे ना डेव का कॉल आया था कि मेरे को इस लोकेशन पे मिलो। तो मैं, फ्रैंकलिन और ट्रेवर तीनों को ये कॉल आया था, तो हम तीनों उस लोकेशन पे पहुंच गए थे। और उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद भाई डेव ने हमें एक बहुत तगड़ा प्लान बताया, जिससे हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि हमें डेव को भी उसमें परसेंटेज देनी पड़ेगी, और इस प्लान में लेस्टर भी शामिल है और FBI के कुछ मेंबर्स भी। तो हम लोग एक हाइस्ट करने वाले हैं भाई, और ये हाइस्ट बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है, और इससे हमें काफी ज्यादा पैसा मिलेगा। और पता नहीं FBI वाले खुद ऐसा क्यों कर रहे हैं, आई थिंक भाई इन्हें FBI की तरफ ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, इस वजह से भाई ये लोग हाइस वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं, अपने जॉब वगैरह से बिल्कुल हटके, मतलब अलग इलीगल काम कर रहे हैं FBI में होके ये बंदे सब। पर खैर हमें इससे कोई मतलब नहीं। और तो हमने लेस्टर को बोल दिया कि हमें एक तगड़ा सा प्लान बना के दे, तो उस हिसाब से भाई हमें कुछ चीजें आज कलेक्ट करनी है। लेस्टर ने अभी प्लान तो हमें नहीं एक्सप्लेन करा है, पर हाँ उसने हमसे कुछ कहा है कि हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ने वाली, जैसे कि हमें कुछ कपड़े चाहिए होंगे, कुछ मास्क चाहिए होंगे, और कुछ व्हीकल्स वगैरह भी चाहिए होंगे इस हाइस्ट को करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग इस लोकेशन पे जाने वाले हैं, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मिलेगा हमें हमारे लिए मास्क, और ये लोकेशन है अपनी बीच पे। तो हम लोग फटाफट जाके फ्रैंकलिन, ट्रेवर और माइकल तीनों के लिए तगड़े तगड़े मास्क खरीदते हैं, जिससे भाई हम लोगों की आइडेंटिटी कोई भी ना पहचान पाए, और हम लोग ये इजीली हाइस्ट कर पाए। तो जल्दी से मैं चलता हूँ भाई हाइस्ट की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग बीच के पास पहुंच चुके हैं, और यहाँ से लेफ्ट लेके आई थिंक भाई वो मास्क की शॉप है। मैं काम करता हूँ, कार ही लेके चलता हूँ भाई, पर मेरे को थोड़ा ध्यान चलाना पड़ेगा यहाँ पे कार। यहाँ पे देखो बहुत सारे बंदे घूम रहे होते हैं भाई, ऐसा ना हो किसी को मैं चढ़बड़ जाए। हाँ भाई ठीक है, साइड हो, चलो भाई भाई भेड़ दी भाई, सब ब्लड लग गया, देखो बम्पर है पूरा भाई, छींटे छींट आ गई भाई। अब ये लोग मेरे पीछे पड़ ना जाए कहीं। खैर चलो अपन लोग चलते हैं फटाफट, अपना काम करते हैं। यहाँ मिलेगा स्पेस मंकी 3D, ओके अपन लोग फटाफट चलते हैं। हाँ भाई मास्क दिखाओगे? अच्छा इधर नहीं है, वेट ये है मास्क। ऑलराइट तो एक मास्क ये है, एक ये है, अब ये तो भाई बेकार सा। ओके स्कल वाला तगड़ा लग रहा है, ये हम लोगों ने माइकल के लिए ले लिया। ओके ये लेते हैं अपन लोग फ्रैंकलिन के लिए, और ट्रेवर के लिए थोड़ा अजीब सा लूंगा भाई, वो बंदा ही अलग है। ट्रेवर के लिए भाई, ट्रेवर के लिए ये वाला सही है। ऑलराइट तो अपना काम हो चुका है, $200 के हमें सारे मास्क पड़ चुके हैं, और अब हमें अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है। और आई थिंक हमें, एक सेकंड पहले मैं कॉल कर सबको बता देता हूँ कि अपना काम हो चुका है। ऑलराइट गाइस, तो मास्क का काम हो चुका है, और मेरे को लेस्टर ने और फ्रैंकलिन ने कॉल लोकेशन भेजी है। पता नहीं यहाँ पर क्या मिलने वाला है अपने को, आई थिंक कपड़े वगैरह होंगे जहाँ तक मेरे को लग रहा है, पर वो तो खैर वहीं जाके देखते हैं। पहले फटाफट चलते हैं उस लोकेशन पे, और उस लोकेशन में देखते हैं कि सेकंड चीज क्या है, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग ऑलमोस्ट उस लोकेशन के पास पहुंच चुके हैं जो हमें लेस्टर ने दी थी। और एक सेकंड भाई यार, यहाँ पर तो मेरे को कपड़ों का कोई भी स्टोर नहीं लग रहा है, ये कपड़ों के स्टोर का एरिया तो बिल्कुल नहीं है भाई। तो हम लोग डॉक्स के साइड आ गए हैं, और यहाँ से हमें क्या चाहिए होगा? ओके हमें एक टो ट्रक स्टील करना है। ओके वेट, यहाँ पर एक बंदा है भाई, एक सेकंड में कार यहाँ रुकता हूँ पहले थोड़ा सा। ओके इस बंदे को हमें टेक डाउन करना पड़ेगा आई थिंक। 3, 2, 1 गया। नहीं, मेरे को एक बार में बुढ़ा मर जाएगा भाई, लेकिन नहीं मेरा। ओके हो गया काम, हो गया अपना काम। आज को टो ट्रक में बैठो फटाफट, जल्दी बैठ। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने टो ट्रक को चुरा लिया है, और भाई अब हमें इसे FBI के किसी गोडाउन में लेके जाना है। पर FBI के गोडाउन में क्यों लेके जाना होगा भाई, मतलब वहां तो भाई FBI वालों को पता चल जाएगा ना यार, पता नहीं खैर क्या सीन है।
उसके डीएफ के ऑर्डर्स हैं भाई ये कि वहां लेके जाना है, तो खैर चलते हैं अपन लोग, ज्यादा बकबक नहीं करते। ओके तो गाइज मैं उस लोकेशन के पास पहुंच चुका हूं जहां पे मेरे स्टोर ट्रक को छोड़ना है। और ये गोडाउन ये वही लोकेशन है जहां पर हम लोग अक्सर मीटिंग करते हैं एफबीआई वालों से, हाँ वही लोकेशन है। और अभी मेरे पे डेव का कॉल आया था और मेरी डेव से बात भी हुई थी, और डेव ने मेरे को एक चीज़ और बताई है। पहले मैं ट्रक यहाँ पार्क करता हूँ, उसके बाद बताऊँ आपको एक सेकंड सारी बात। और राइट गाइस, तो मैंने अभी ट्रेवर और फ्रेंड को बता दिया है कि हम लोग ने टो ट्रक यहाँ पे खड़ा कर दिया है। और अभी मेरे से डेव से जो बात हुई थी, डेव मेरे से बोल रहा था कि भाई हमें एक फोर व्हीलर कार चाहिए जिसके अंदर चार लोग बैठ सकें, और भाई क्या नाम है वो हमें एक गेटवे व्हीकल यूज़ करनी है। मतलब भाई जब हम लोग हाइस्ट करके यहाँ से निकलेंगे ना, तो हमें उस कार की ज़रूरत पड़ने वाली है सिटी से बाहर जाने के लिए। तो एक वो व्हीकल भी हमें सेट करना पड़ेगा किसी अच्छे लोकेशन पे जहाँ से हमारा हाइस्ट वाला एरिया पास में हो। खैर उसने अभी मेरे को एरिया नहीं बताया, जब मेरे को थोड़ा एरिया बताया किस एरिया पार्क करनी है तो वो कारें पार्क करने की ट्राई करूँगा। एक सेकंड, बाइक इधर आ रहा है। ओके तो अभी फिलहाल मैं एक और लोकेशन पे जा रहा हूँ जो कि मेरे को लेस्टर और फ्रैंकलिन ने बताई है। तो आई थिंक यहाँ पर इस बार हमें सूट मिलने वाले हैं अपने रॉबरी वगैरह के लिए, मतलब जो हम कपड़े वगैरह पहन के जाएंगे पूरे फुल, मतलब ऐसा होना चाहिए ना जिससे हमें कोई भी पहचान ना पाए। तो अपन लोग जल्दी से वहीं चलते हैं फटाफट, लेट्स गो यार। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग उस लोकेशन के पास पहुंच चुके हैं जो कि हमें लेस्टर ने भेजी थी। और एक सेकेंड, ये तो एक एम्यूनेशन की लोकेशन है जहां पर हमें कपड़े मिल जाएंगे क्या, पता नहीं। खैर अंदर जाके देखते हैं, हो सकता है मिलते होंगे, वरना लेस्टर कोई बेवजह से लोकेशन भेजेगा नहीं हमें। एक बार फटाफट चल के ट्राई करते हैं, आई थिंक मिल जाएंगे अपने को। ओके वेट, ये है तो भाई। ऑलराइट ऑलराइट, ओके यहाँ पे बॉयलर सूट्स हैं, इनमें से हमें कोई चाहिए। कि ग्रे वाला माइकल के लिए लेता हूँ, ग्रीन वाला फ्रैंकलिन के लिए, और नहीं है क्या। ओके फर्स्ट वाला नेवी, ये हम लोग ट्रैवल के लिए लेते हैं। ओके लेट्स गो, अपना काम हो चुका है यहाँ का, अपन लोगों ने कपड़े भी ले लिए हैं अपनी हाइस्ट के लिए, अपन लोग फटाफट गाड़ी में चल के बैठते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग अभी फ्रैंकलिन और ट्रैवल को कॉल करके बता चुके हैं कि हम लोगों ने भाई बॉयलर सूट्स भी ले लिए। वैसे भाई हम ही अकेले भी काम कर रहे हैं, तो नल्ले क्या कर रहे हैं भाई, ये भी तो हाइस्ट का हिस्सा है, इन्हें भी कुछ काम करना चाहिए। खैर कोई नहीं, अपने पास एक और लोकेशन आ चुकी है, पता नहीं ये किसकी लोकेशन है, तो हमें यहाँ पहुँचना है। तो अपन लोग फटाफट इस लोकेशन जल्दी पहुँचते हैं। यहाँ पे भी हमें आई थिंक कुछ ना कुछ अपनी हाइस्ट से रिलेटेड कोई सामान चुराना होगा या फिर हमारे लिए रखा हुआ होगा ऑलरेडी। तो अपन लोग फटाफट उस लोकेशन में जाकर देखते हैं कि ये लास्ट ही है आई थिंक, इसके बाद हमें बस एक गेट पे व्हीकल चाहिए, उसके बाद अपन लोग रेडी हैं भाई अपनी हाइस्ट के लिए। तो पहले ये सारे काम निपटाते हैं, उसका लेस्टर कॉल करते हैं जल्दी से, लेट्स गो यार। ऑलराइट गाइस, तो मैं उस लोकेशन के पास पहुंच चुका हूं जो हमें लेस्टर ने दी थी। और एक सेकंड भाई, हम जितना उस लोकेशन के पास जा रहे हैं ना, ये लोकेशन उतनी ही दूर जाती जा रही है, ऐसा क्यों। एक सेकंड भाई, आई थिंक ये पक्का कोई व्हीकल है जो हमें चुराना होगा जहां तक मेरे को लग रहा है। हाँ भाई ऐसा ही लग रहा है। ओके तो अपन लोग ऑलमोस्ट तो पहुंच चुके हैं उस लोकेशन के पास, और आई थिंक ये गार्बेज ट्रक चुराना है हमें। एक सेकंड वेट भाई, इसे रोकना पड़ेगा हमें। एक सेकंड रुक रुक रुक, वेट 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 भाई क्या कर रहा है ये। ओके वहां से गार्बेज ले रहा है आई थिंक ये बंदा, इसे मेरे को आई थिंक गन निकालनी पड़ेगी, ऐसे रुकेगा नहीं ये बंदा। ओके ओके, इसने खुद ने ही छोड़ दिया ट्रक, सही है भाई, अपना काम हो गया, अपने को बेवजह किसी को मारना नहीं पड़ा। और अब हमें ट्रक लेके, भाई इसने अपने बंदे भी ट्रक चढ़ा दिया। ओके पुलिस अपने पीछे पड़ चुकी है आई थिंक, भाई उन लोगों ने पुलिस को बता दिया था। अपन लोग को फटाफट भाई पहले पुलिस से एस्केप करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें एफबीआई लॉट में दोबारा से जाना पड़ेगा। तो अपन लोग फटाफट भाई थोड़ा पहले इधर चलते हैं, एक तरफ मेरे को पुलिस लग नहीं रही है। ओके 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 भाई भाई क्या ही जस्ट बच रहा हूँ पुलिस वालों से मैं। भाई पुलिस वाले भाई कितने सारे हैं यहाँ पे, ये तो वैसे सिटी की आउटसाइड है, यहाँ पे इतनी पुलिस क्या कर रही है भाई। ओके 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 भाई, कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ अपन लोग अपनी कार कह रहे हो ट्रक को थोड़ी देर के लिए छुपा पाए यार। पर यहाँ तो ऐसी कोई लोकेशन नहीं है, मेरे को जंगल में ही लेके जाना पड़ेगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ऑलराइट, हम लोग आ चुके हैं पीछे की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग फाइनली एस्केप हो चुके हैं, और अब हम लोग जल्दी से चलते हैं भाई उस लोकेशन पे एफबीआई के पास। और भाई ये एरिया भाई बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे अपन लोग फ्यूचर में घर, एक सेकंड भाई सॉरी, हाँ तो अपन लोग फ्यूचर में भाई यहाँ पे घर वगैरह ले सकते हैं। जगह बढ़िया लग रही है, सिटी से बाहर भी है, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है भाई, और काफ़ी बड़े बड़े घर बनेंगे आई थिंक यहाँ पर, सही है। इसमें देखेंगे भाई फ्यूचर में अपन लोग एक घर वगैरह परचेज करना चाहें यहाँ पे। तो फिलहाल अपन लोग चलते हैं उधर की तरफ एफबीआई लॉट पे, लेट्स गो। ऑलराइट, तो हम लोग पहुँच चुके हैं उस लोकेशन पे। एक सेकंड भाई, अपन लोग इस ट्रक को इधर ही पार्क कर देते हैं, लेट्स गो। एक सेकंड भाई, अपन लोग इस कार को भी यूज़ कर सकते हैं गेटवे व्हीकल, फोर सीटर है सब कुछ चाहिए। सेकंड भाई, ये कार अपन लोग ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो भाई ये व्हीकल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी जो इस एरिया के आसपास हो। तो इस एरिया के
इज अनसुटेबल फॉर गेटवे। भाई ये व्हीकल सुटेबल नहीं है गेटवे के लिए। ओके अपन लोग कोई नहीं और कोई कार देखते हैं, फोर मैन वाली। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई एसयूवी होगी। ये एसयूवी सही लग रही है। एक्शन भाई 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 साइड होगा, रुको भाई, वेट, छोड़ भाई गाड़ी छोड़, थोड़ी तरह काम चलने का यहाँ से। इस व्हीकल कैन यूज गेट विद हायर मार्क लोकेशन। ओके तो अपन लोग इस कार को पार्क करने के बाद हमें मतलब माइकल सॉरी फ्रैंकलिन और ट्रेवर कॉलर के बताना है कि हम लोगों ने इस लोकेशन पे इस कार को पार्क करा। वैसे ये लोकेशन भाई अच्छी है, अपन लोग इसे लगा सकते हैं यहाँ पे। एक सेकंड भाई देखता हूँ फ्रैंकलिन और ट्रेवर कॉलर किसी को। अरे यार यहाँ पे अपन लोग पार्क कर नहीं सकते आई थिंक इसे, क्योंकि ये रोड के बहुत क्लोज आई थी। ये एरिया वैसे सही लग रहा है भाई, बढ़िया है, यहाँ से अपन लोग निकल भी सकते हैं जल्दी से। ओके ये लोकेशन हो सकती है यूज। और अब हमें किसे कॉल करना है, फ्रैंकलिन कहाँ गया। ओके मार्क गेट पे लोकेशन। We got a getaway car stashed and ready to go. Cool dog shit, where is it at? Marietta Heights. All right, तो अपना पूरा काम हो चुका है और हम लोग अब स्टीव को फोन करके बता रहे हैं कि हमने सारा काम निपटा दिया है। अब भाई बस हमें वेट करना है सुबह तक का और पहुंचना है स्टीव के पास। ओके तो अपन लोग फटाफट अब घर चल के सोते हैं और वेट करते हैं सुबह होने का और चलते सीधा हाइस्ट करने। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग टैक्सी करके पहुंच चुके हैं उस लोकेशन पे जहां से हम लोग अपनी हाइस्ट स्टार्ट करने वाले हैं और सुबह के बज रहे हैं 5। भाई सुबह 5 बजे आ चुके हैं हम लोग, इतनी जल्दी है हमें हाइस्ट की। तो अपन लोग को उसने बुलाया तो नहीं, तो सब कुछ सेट है और आई थिंक अपन लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। माइकल यहाँ पे अकेला ही वेट कर रहा है भाई, और कोई बंदा तो अभी तक आया नहीं। अपन लोग कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आया क्या? ओके ओके आ गया भाई ट्रेवर भी फ्रैंकलिन भी। We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. Hey, all right. So, listen up. Here's the plan. All right, Trevor. Yeah. I want you in this position up here. Yeah, you're on lookout. Give me a okay, heads up. यहाँ पे तीनों एक दूसरे को प्लान समझा okay. रहे हैं भाई कैसे कैसे करना है अपन लोग को। I'm gonna be right here. All right, तो अपन लोग गार्बेज ट्रक के अंदर बैठना है। तो प्लान अपन लोग पूरा समझ चुके हैं भाई। और प्लान कुछ ऐसा है कि भाई यहाँ पर ना एक वो क्या बोलते हैं उसे, जो बैंक के ट्रक्स जाते हैं वो जा रहा है और हमें उसकी हाइस्ट करनी है। उसके अंदर काफी सारा कैश होगा भाई, ऐसा उस एफबीआई वाले डेव का कहना है। खैर कोई नहीं, अपन लोग देखते हैं भाई कितना कैश मिलेगा उसमें और हमें कितना कितना प्रॉफिट होने वाला है। खैर वो सब तो देख ही लेंगे। फिलहाल अभी अपने फ्रैंकलिन और ट्रेवर एक दूसरे लोकेशन पे गए हैं जहां से उन्हें एक अच्छा एंगल मिलेगा हमारे ऊपर और हमें पहुंचना है इस लोकेशन पे। ओके कहाँ पर, ओके यहाँ पे पहुँचना है हमें, तो मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ जैसे ट्रक अपना। ऑल राइट और आई थिंक हमें वेट करना है। आई एम इन पोजीशन, व्हाट्स द ईटीए? जस्ट अ सेकंड। ओके ट्रेवर ऊपर की तरफ चढ़ा बैठा है बिल्डिंग के। ओके इनकमिंग, अरे यही है गाइस वो ट्रक या बस जो भी बोले जिसके अंदर कैश है। ऑल राइट हमें आई थिंक उसे स्लैम करना है, टक्कर मारनी है। ओके ओके अपने को रोड ब्लॉक करनी है, टक्कर नहीं मारनी जिससे वो फंस जाए। ओके ओके रोक दिया भाई। ओके अब फ्रैंकलिन का काम है पूरा। Did Public Works change their schedule? ओके फ्रैंकलिन सामने टो ट्रक लेके आ रहा है भाई साहब। लेट्स गो भाई, 3 2 1 बूम भाई साहब। ओ भाई भाई दीवार वार सब तोड़ दे, कुछ तगड़ा स्लैम दिया है भाई इसने इसके ऊपर। ओके ओके मैं स्टिकी बॉम्ब्स लगाने फटाफट। स्टिकी बॉम्ब ये रे 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 लगा भाई लगा। ओके 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 पीछे आना थोड़ा। बूम लेट्स गो,
चलो निकलो। मर चुका है ना ये, नहीं जिंदा है भाई। Wait, what? यहाँ तो कुछ भी पैसा नहीं है भाई। एक सेकेंड, ये क्या स्कैम है रे? भाई पुलिस और आ गई, पैसे से कुछ घंटा नहीं मिला हमें इसके अंदर, खा ली जाए तो पूरा। ये माइकल कुछ मिल गया, मुझे नहीं लग रहा भाई माइकल कुछ मिला है भाई। कितनी पुलिस आएगी भाई, और हमने भाई पूरा मैच के टाइम में बहुत माइकल को स्विच करना है। ओके निकल यहाँ से। और किधर है भाई स्नाइपर? निकल, दूसरे डाउन, थर्ड डाउन। तेरी पैंस की, निकल यहाँ से। ओ भाई साहब, चलिए कवर 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 कवर, निकल यहाँ तेरी पैंस की। ओके हमें ट्रैवल स्विच करना है, देख मिसाइल्स तेरी पैंस की, बूम, निकल यहाँ से। ओके हो गई थोड़ी बहुत पुलिस कम नहीं। टेक आउट द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर किधर है? ओके ये रहा भाई, बच गया भाई, बच गया तेरी भैंस की, रुक बचेगा नहीं पड़ तू। इसको और भी है क्या चौपर? ओके गेट इन द गार्बेज ट्रक, गार्बेज ट्रक के अंदर बैठे हमने को फटाफट, चल चल चलो भाई। पैसा वैसा कुछ मिला नहीं, गधा और बन गया हमारा। किधर है गार्बेज ट्रक अपना? वो जल्दी 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 भाई, लेट्स गो। ऑलराइट अपन लोग को गेट पे लोकेशन पे पहुंचना है, और ये लोग भी अलग तरीके से पहुंच जाएंगे, इतने ट्रेवर और माइकल। फटाफट चलते हैं भाई, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग फाइनली भाई अपने ट्रक को भगाते हुए पहुंच चुके हैं गेटवे लोकेशन के पास, जहां पे हमारी कार खड़ी है। और भाई बहुत ज्यादा ध्यान से जाना पड़ेगा हमें, किधर की तरफ रास्ता, अगला है पिछले? ओके आगे वाला रास्ता में इधर लेफ्ट वाला हो जाता है। हट पे साइड हो भाई, इतना टाइम नहीं है, पुलिस आगे पीछे तो और नौटंकी हो जाएगी भाई, जल्दी चलो। इतनी पुलिस थी भाई वहां पे। ओके भाई 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 आराम से ट्रक इधर लगाता हूं मैं जल्दी से, लेट्स गो। ओके गार्बेज ट्रक हमें डिस्ट्रॉय करना है आई थिंक भाई, इसके ऊपर स्टिकी बॉम्ब डालता हूँ फटाफट में। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। ऑल राइट अपना काम हो चुका, फटाफट कार के अंदर बैठो, पहले थोड़ा दूर जाऊँ फिर ब्लास्ट करता हूँ उसे। एक सेकेंड, वे डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए कार। ऑल राइट तो अपन लोगों ने भाई ट्रक तो डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब अपन लोग को ऐसे निकलना है फटाफट। चल भाई फ्रैंकलिन भगा कार अपनी। All right, तो हम लोग वहां से स्केप तो हो चुके हैं, बड़ा माइकल कॉल करके बताया था हूं सब कुछ। Everything cool? Yeah, man, shit, that trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. All right, तो हमने माइकल से बात करी, हम लोग ऑटोमेटिकली माइकल के ऊपर स्विच कर चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं डेविन के घर पे, जो कि FBI वाला एजेंट, जो मतलब दोस्त है जिसने हमसे सारा काम करवाया है। और आई थिंक माइकल यही पूछेगा कि भाई तुम तो बता रहे थे पैसा वैसा मिलेगा या कुछ मिलेगा, तो नहीं खैर अपन लोग पहुंचने वाले हैं। और भाई इसका घर पहाड़ों में है क्या भाई, इतना अमीर है क्या भाई ये? FBI में काफ़ी पैसा है बे, अपन लोग को भाई काम वाम छोड़ के FBI ज्वाइन कर लेनी चाहिए। चल भाई गेट खोल। ओके ओके वेट, मेरे को समझ आ रहा है कुछ कि डेविन विंस्टन कोई और है, वो डेव था, सॉरी, हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी सॉरी सॉरी। Yeah, I'm telling you, ये है डेविन विंस्टन। Give a flying fuck. All right, guys, तो मेरी डेविन विंस्टन से बात हो चुकी है और मेरे को अब पूरा खेल समझ आ चुका है। डेव ने कहा था कि हमें पैसा मिलेगा, उसका रीजन ये था कि भाई डेविन विंस्टन ने एक हम एक सेकंड पहले फ्रैंकलिन से बात कर लेता हूँ मैं। हाँ तो डेव ने हमसे बोला था हमें पैसा मिलेगा, और डेविन विंस्टन को जो गवर्नमेंट है FBI की, उसके ट्रक में से कुछ सीक्रेट पेपर्स चाहिए थे जो कि हम लोगों ने ट्रक में से चुरा के ला के दिए इसे, अब इसके बदले हमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो सीन कुछ ऐसा था, डेव ने हमें पूरी बात नहीं बताई क्योंकि डेविन विंस्टन जो है भाई
एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और शायद माइकल का इसके साथ पहले भी लड़ाई वगैरह हो चुकी है, इस वजह से शायद माइकल को उसे नहीं बताया था। पर खैर कोई नहीं, अपना पूरा काम यहाँ का हो चुका है। अब सीन कुछ ऐसा है, डेविन विंस्टन जो है, डेविन विंस्टन ने माइकल को एक न्यू काम दिया है और कह रहा है भाई इस काम पे भी मैं तुम्हें अच्छा खासा पैसा दूंगा। तो माइकल ने कहा ठीक है भाई मैं कुछ बंदे भेज दूंगा। तो उसने कहा नहीं मेरे को कुछ बंदे नहीं चाहिए, मेरे को तुम्हारी ही टीम चाहिए क्योंकि तुम्हारी टीम बहुत ज्यादा प्रो है, क्योंकि भाई तुम लोग ये सारे काम इजीली निपटा लेते हो। तो हमने कहा ठीक है भाई काम बताओ काम क्या है। तो वो कह रहा भाई कुछ हमें ना कुछ कार वगैरह चुरानी है, आई थिंक कुछ लॉस सेंटोस की सबसे मोस्ट फेमस कार्स है उन्हें चुराना है। पर खैर ये सब तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो गाइस यार आज के एपिसोड में इतना ही, वीडियो करते हैं पर एंड, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।